एवरी वन कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे तो काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ बट ये जो फॉर्मूलेशन है वो अपलोड करना इसलिए इम्पॉटेंट थी क्योंकि अभी वेदर जो है वो चेंज हो रहा है और आप लोगों को ये बताना ज़रूरी था कि जो चीज़ आप लोग परचेज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या चीज़ ऐड है मैंने पहले भी काफ़ी सारी फार्मूलेशन अपलोड की हुई हैं जबकि कोई भी आपको नहीं बताता है अपनी चीज़ के बारे में कि उसके अंदर उसने क्या चीज़ ऐड की है बट मेरी क्रीम्स की फार्मूलेशन यहाँ पे अपलोड होती ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए सो so, आज जो मैं फॉर्मूलेशन यहाँ पे बनाने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेना है अगर किसी चीज़ का डाउट हो तो आप मुझे इनबॉक्स में आकर पूछ सकते हैं तो ये जो क्रीम है वो बेसिकली ब्राइडल्स के लिए बनती है बट इसको आम लोग भी लगा सकते हैं जिस तरह से मैं लगाती हूँ नाइट में अपने लिए निकाल के एक साइड पर रख लेती हूँ क्योंकि बहुत बेस्ट क्रीम्स होती हैं मुझे पता है मैंने इसमें क्या चीज़ ऐड की है तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा होम मेड या वाइटनिंग एम्प्यूर है अगर यह ज़ाहरी सी है आप लोगों के पास नहीं होगा तो आप लोग जो है इसको टोटली स्किप कर दें आप इसकी जगह पे कोई भी एमप्यूल ले लें यानी कि फेस फ्रेश वालों का एमप्यूल ले लें या फिर आप डॉक्टर राशील का जो वाइटनिंग एमप्यूल है वो भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने वाइटनिंग एमप्यूल निकाल लिया है उसके बाद मेरे पास है यहाँ पर है मेरे पास ग्लूथाथेन रेड्यूस पाउडर बिल्कुल ओरिजिनल वाला पाउडर है आपने अगर इसको आपको नहीं मिलता तो आप ना ऐड करें अगर आपने ऐड करना है तो मेक श्योर करें कि ये ओरिजिनल पाउडर होना चाहिए क्योंकि ग्लूथाथियन पाउडर जो है वो बेसिकली इसको वाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है और मेरे ख्याल से कि कॉजिक एसिड और ग्लूथाथियन से ऊपर कोई वाइटनिंग का पाउडर जो है वो बेस्ट नहीं है इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉरी हाँ गिर गया हाफ टेबल स्पून के करीब इसके अंदर मैं ग्लूथाथियन पाउडर ऐड कर रही हूँ ठीक है ये चला गया इसके अंदर सेकंड नंबर पे है मेरे पास हाइलोरॉनिक एसिड ये ऊपर से नेम जो है वो मिट गया है क्योंकि थोड़ा सा ऑयल गिर गया था इसके ऊपर तो यहाँ पे हाइलोरॉनिक एसिड मस्ट मस्ट ऐड करना है क्योंकि हाइलोरॉनिक एसिड ही आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करता है जिस तरीके से आप लोगों ने स्टीराइड्स या केमिकल वाली क्रीम्स यूज़ कर करके अपनी स्किन का बेड़ा गर्क किया हुआ होता है तो उसको ये रिपेयर करने का बहुत ही जबरदस्त सा काम करता है तो हाइलोरिक एसिड भी आपने बिल्कुल पिंक सा ऐड करना है ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहे आप ज़्यादा अमाउंट बना रहे हैं या अमाउंट तो उसके मुताबिक ही आपने इसके अंदर पाउडर्स ऐड करने ये नहीं है कि पूरा वन टेबल स्पून भर के आपने इसके अंदर डाल दिया नो no, क्योंकि ये ओरिजिनल पाउडर्स होते हैं उसके बाद अब यहाँ पे है मेरे पास एलेंटियन पाउडर ये है जी रिड्यूस स्कार्स ये स्कार्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और और अगर हम कहें कि हमारी स्किन के ऊपर स्कार्स नहीं है नॉर्मल स्किन है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हर किसी की स्किन के ऊपर हल्के दाग धब्बे स्कार्स मौजूद होते हैं तो इसको मैं ज़रूर क्रीम के अंदर ऐड करती हूँ ताकि अगर किसी को स्कार्स का प्रॉब्लम है बेसिकली तो सब नाइन्टी परसेंट गर्ल्स को होता ही है ओपन पोर्स का स्कार्स का इशू तो इसको लाजमी तौर पर इसके अंदर ऐड किया जाता है अब लास्ट जो पाउडर हमारे पास बचा है वो है जी कॉजिक एसिड पाउडर यहाँ पे है मेरे पास कॉजिक एसिड पाउडर ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है इसको भी हम हाफ़ ऐड करेंगे क्योंकि ये वाइटनिंग का पाउडर है और बहुत ही ज़बरदस्त पाउडर है अच्छा जी ये सारे जो पाउडर्स हैं ये इस एम्प्यूल के अंदर अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी यहाँ पर है मेरे पास प्योर औरिजिनल ज़ाफरान ये सारा इसके अंदर चला जाएगा ये चला गया इसके अंदर ज़ाफरान ज़रान बेसिकली नेचुरल इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन के ऊपर लाइट पिंकिश कलर्स कलर का ब्लश ऑन मतलब जिस तरह से आप लोग लगाते हैं नेचुरली आपकी स्किन को जो है ना ये लाइट पिंक कर देता है आपकी चीक्स को और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देता है ये बेसिकली वाइटनिंग इन्ग्रीडियंट ही है और ये बहुत महंगा होता है आप सब जानते हैं तो ये चला गया इसके अंदर अब हम इसी के अंदर क्रीम्स को ऐड करेंगे बट इसको हम दो मिनट के लिए मैं साइड पे करूँगी ताकि अच्छे से डिजोल्व हो जाएं पाउडर्स क्योंकि मैं ये जस्ट आप लोगों को सैंपल बना के दिखा रही हूँ इसलिए मैं कम कम अमाउंट रख रही हूँ यहाँ पे फेरा लवली मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर हाफ ट्यूब ठीक है ऑलरेडी क्रीम जो है वो बनी हुई है ये जो सैंपल मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ ये सारा जो सैंपल है वो उसी क्रीम के अंदर ऐड हो जाएगा ठीक है यहाँ पे चलेगी गई लवली इसके अंदर उसके बाद ये देखें बिल्कुल जो है ना ये डिसॉल्व हो जाए हो गए हैं पाउडर्स अच्छे से देखो बिल्कुल भी रनी नहीं हुई है क्रीम ठीक है ये चले गया इसके अंदर उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास गोल्डन पर्ल क्रीम मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर अगर किन जिन लोगों को गोल्डन पर्ल सूट नहीं करती है वो उसको टोटली स्किप कर सकते हैं इस क्रीम को कोई इशू नहीं है तो यहाँ पर मैं गोल्डन पर्ल निकाल लूँगी सारी अब मेरे पास है जी यहाँ पे फेस फ्रेश मैंने पैकेजिंग इनकी पहले ही ओपन कर ली थी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फेस फ्रेश क्रीम मैं इसमें इस से निकाल रही हूँ और ये जो फ़ेस फ्रेश जो क्रीम है ना ये मैं इसके अंदर दो ऐड करूँगी उसकी रीज़न ये है कि तो इसका कलर जो है वो पिंकिश है और क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जाफ़रान मिक्स किया हुआ होता है और इसका जो टेक्स्चर है वो गर्मियों में भी ख़राब कभी नहीं होता जिस तरीके से बाकी क्रीमों के ऑयल्स निकल आते हैं इस क्रीम का ऑयल नहीं निकलता है इसको मैंने पर्सनली ट्राई किया है चेक किया है उसके बाद ही मैंने इसके अंदर जो फेस फ्रेश की जो अमाउंट है उसको मैंने ज़्यादा रखा है ये देखिए दूसरी क्रीम भी मेरे पास फ़ेस फ्रेश ही है इसको मैं ऐड कर लूँ उसके बाद है मेरे पास शीशा माई मोस्ट फेवरेट क्रीम ये देख लें ये देख लें शायद आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए पैकेजिंग मैंने उतार दी है इसके ऊपर से ये देखें ये बहुत ही इसका अच्छा सा टेक्स्र है इस क्रीम का क्रीमी मक्खन टाइप टेक्स्चर है इसका ये मैं निकाल लूँगी इसके अंदर से सारी क्रीम अच्छे से निकाल लीजिएगा सारी वेस्ट ना हो उसके बाद मेरे पास है जी यहाँ पे बायोकॉस क्रीम अगर आप लोगों को क्लेरली नज़र आ रहा हो ये बायोकॉस क्रीम है और काफ़ी फेमस है ठीक है ये आप लोगों को ईज़ीली मिल जाएगी इसको मस्ट ऐड करना है आपने ये देखें कि ये सारी जो क्रीम है इसके अंदर से वो निकाल ली है मैंने बाद मेरे पास यहाँ पे फायज़ा ब्यूटी क्रीम है काफ़ी सारे लोग कहते हैं जी मिक्सचर बना दिया है क्रीम्स का सत्यानाश हो गया है तो देखिए अगर क्रीम्स के मिक्सचर से सत्यानाश हो जाए स्किन्स का तो ये क्रीम्स वैसे ही पाकिस्तान के अंदर से बैन कर दी जाएँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है जाहिर सी बात है क्रीम्स की अगर आप बात करें तो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स की क्रीम इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं कोई भी क्रीम उठा के हम मिक्स कर सकते हैं बट मैं हमेशा टेस्टेड क्रीम जो मैंने अपने ख़ुद के फ़ेस के ऊपर ट्राई की हुई होती हैं वही क्रीम्स मैं इसके अंदर यूज़ करती हूँ ताकि किसी किस्म का साइड इफेक्ट ना हो उसके बाद यहां पे जी अरीना गोल्ड अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो क्लियरली अरीना गोल्ड क्रीम है मैं नेम जो है वो रिपीट कर रही हूं साथ साथ इसको ओपन कर लेते हैं ये ओपन हो चुकी है ये निकाल लेंगे इसके अंदर से क्रीम और अगर आप लोग कोई फॉर्मूलेशन बना रहे हैं घर में तो एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि कुछ लोग कहते हैं जी आरसी क्रीम से कैंसर हो जाता है तो प्लीज़ उनकी बात पे ध्यान ना दें आरसी क्रीम के बग़ैर कोई फार्मूलेशन कंप्लीट नहीं होती है क्योंकि ये एक बाउंडिंग होती है क्रीम्स की तो इसको आपने लाजमी ऐड करना है और सबसे मज़े की बात यह है कि ये पाकिस्तान की मेड है ही नहीं ये बाहर की मेड है तो ये बाहर से आती हैं क्रीम्स और आप जानते हैं कि वो कितनी प्योर चीज़ें यूज़ करते हैं उसके बाद कैले पर्ल क्रीम जो है वो इसके अंदर यूज़ की जाए यहाँ पे सारी क्रीम को हम निकाल लेंगे अच्छे से इसके अंदर से बाद मेरे पास है यहाँ पे मीना क्रीम ये भी आपने लाजमी ऐड करनी है इजीली आप लोगों को ये क्रीम्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी और एक चीज़ और ये क्रीम्स हम सेल नहीं करते हैं बिकॉज़ ये तो मार्केट से भी आपको आराम से मिल जाती हैं सो तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ मुझसे आके ना पूछा करेंगे ये क्रीम्स हमें चाहिए आप हमें ये क्रीम सेंड कर दें तो ये टोटली बेवकूफ़ी है क्योंकि इसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे आपको और ये आपको अपने ही सिटी से आराम से मिल जाती हैं ये चीज़ें चली गई इसके अंदर लास्ट आरची जाएगी इसके अंदर आरची आप इसके अंदर दो भी ऐड कर सकते हैं कोई इशू नहीं है आरची बहुत बेस्ट क्रीम है हाँ बट इसको आप सिंगल अकेला यूज़ ना करें क्योंकि ये बहुत लाइक इसे कहते हैं ना कि के हैवी केमिकल्स यूज़ किए हुए होते हैं इसके अंदर क्योंकि ये एक बाउंडिंग होती है क्रीम की तो इसको आप सिंगल यूज़ ना करें कोई फार्मूलेशन बनाएँ तो उसमें एक डब्बी लाजमी आप इसमें ऐड कर दें क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा है उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है तो इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अब इन सारी क्रीम्स को हम पकड़ के मिक्स करेंगे अच्छे से इसको अब हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स ये देखें मैं अब इसको को ऑफ करके इसको मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लाइक हार्ड वर्क चाहिए होता है मिक्स करने के लिए तो इसको मैं मिक्स कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए इस क्रीम को मैंने मिक्स कर लिया है बट अभी ये मतलब देखें इतना अच्छे से मिक्स नहीं हुई है मैं ऑफ द कैम इसको दोबारा से अच्छे से बीट करूंगी बीटर के कर साथ ताकि ये मिक्स हो जाए अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो डब्बी है क्रीम की ये आपको अवेलेबल होगी ऑनलाइन प्लीज मेरी बात को यहीं पे ध्यान से सुन लिया करें क्योंकि मैं फिर काफ़ी सारे लोगों को व्हाट्सऐप पे सिंगली रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसकी एक डब्बी क्रीम की जो कि पूरा एक वन मंथ चलती है वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी अगर आप मुझसे ख़रीदना चाहते हैं बाय करना चाहते हैं अब ख़रीद आप कैसे सकते हैं आप मुझे अपना एड्रेस सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वहाँ से मैं आपको सेंड करूँगी क्रीम आपके घर के एड्रेस पे कैश ऑन डिलीवरी पे यानी कि जब आपकी चीज़ आपके हाथ में पहुंच जाएगी उस वक्त आपने हमारे कोरियर को पेमेंट कर देनी है तो ये तरीका कार है इसको ख़रीदने का अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो इसके गारंटिड रिज़ल्ट होंगे और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि मेरा जो चीज़ सेल करने का तरीका है वो कुछ अलग है ज़रूरी नहीं है कि जो आप लोगों को प्रॉब्लम है वो वो सारे सोल्यूशन इसी क्रीम के अंदर है नो आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट्सएप पे पर्सनली कि मैं मुझे मेरी स्किन के ऊपर ये इशू है स्कार्स हैं पिगमेंटेशन है ये मसला है मैं पहले ये क्रीम यूज़ करती थी ये इशूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्रीम बना के दी जाएगी क्योंकि ये जो पाउडर्स इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं मेरे पास जस्ट ये नहीं है मेरे पास अलहमद हर किस्म की वैरायटी है और मैं आपको वो क्रीम बना के दूँगी जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल होगी ओके हो गया अब मैं आप लोगों को डब्बी दिखा दूँ कि कौन सी डब्बी हम सेल करते हैं जी ये डब्बी है वन मंथ की क्रीम होती है इसके अंदर कि यहाँ पे आपको लोगों को क्लियर कर रही हूँ वन मंथ से पहले अगर ये खत्म हो जाए तो मैं आप लोगों को और भेजूंगी बट आप लोगों ने एक बंदे ने यूज़ करनी है वन मंथ की क्रीम है साथ में होगा ये वाइटनिंग एमप्यूल दोनों चीजें मिलेंगी टू थाउजेंड रुपीज की होम डिलीवरी के साथ ठीक है अब देखिए मैं क्रीम को इसलिए फिलअप नहीं कर रही क्योंकि इसके इसको मैंने अभी अच्छे से बीट करना है अब सीरम के साथ आपने क्रीम को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ऑब्वियसली फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सबके साथ एक ही सीरम नहीं होगा जिसको जो इशू है उसके मुताबिक ही सीरम बनेगा क्योंकि दिस इज़ माई होम मेड सीरम अब आपने यूज़ किस तरीके से करना है क्रीम को आपने नाइट में क्रीम निकालनी है अपने हाथ में इस तरीके से निकाल ली सीरम को आपने बड़े ध्यान से पकड़ना है क्योंकि पहले भी मैंने गिरा लिया था वन एंड टू दैट सेट दो ड्रॉप से ऊपर आपने नहीं डालने फिंगर से ऐसे पकड़ना है इसको मिक्स करना है इस तरीके से ये देखें ज़्यादा रनी भी नहीं होगी गिरेगी भी नहीं मिक्स हो गया अच्छे से अच्छे से मिक्स कर लें इसको मिक्स हो गई अच्छे से अब अपने फेस के ऊपर लगाएं सॉरी मैं इस हाथ पे लगा के दिखाती हूँ ये देखें इस पकड़ें इस तरीके से इसको लगाएं दो मिनट के लिए आप इसको ऐसे करेंगे ना मसाज करेंगे तो ये फ़ौरी तौर पे आपकी स्किन के अंदर जज्ब होगी क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है ये देखें पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्रीम अप्लाई की हुई है पसीना भी नहीं आएगा एक्नी भी नहीं निकलेगी जिस तरीके से गर्मियों में बेसिकली क्रीम्स लगाते हैं तो एक्नी निकल आती है वो सीन बिल्कुल भी नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें सारी मैंने आप लोगों को एक एक चीज दिखा दी यहाँ पे बता दी है अब अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं मुझसे ऑनलाइन तो आप अपना एड्रेस मुझे व्हाट्सअप कर दें मेरा नंबर ऊपर भी आ रहा है थम नेल भी लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा है और पूरी वीडियो की स्क्रीन के नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़